हेलो एवरीवन वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड सो बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे सिक्स क्लास मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर ये करंट सेशन 2022 टू 23 के सेशन एंडिंग एग्जाम का पेपर है फॉर केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट्स और पहला क्वेश्चन है माइनस थ्री प्लस माइनस टू प्लस माइनस फाइव इज इक्वल टू सो माइनस थ्री प्लस माइनस इज माइनस टू

और डेसिमल के बाद एक जीरो पुट करते हैं डेसिमल के पहले यूनिट डिजिट दोनों की एक है इक्वल है टेंथ प्लेस पर दोनों में दो है अभी तक भी नंबर्स इक्वल है हंड्रेड प्लेस पर यहां पर फाइव है और इस नंबर में जीरो है फाइव क्योंकि ग्रेटर है जीरो से सो टू फाइव ग्रेटर होगा दैन वन पॉइंट टू नेक्स्ट इज विच इज ग्रेटर वन पॉइंट टू फाइव द लोएस्ट फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ द डेसिमल नंबर नंबर जीरो पॉइंट टू फाइव का लोएस्ट फ्रैक्शन फॉर्म इज वन बाई फोर ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है सो जीरो पॉइंट टू फाइव डेसीमल को रिमूव करते हैं फ्रैक्शन में लिखते हैं नंबर को ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई वन के बाद दो जीरो क्योंकि डेसीमल के बाद दो नंबर्स हैं ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर्स आर हंड्रेड वन बाई फोर ट्रू स्टेटमेंट है नेक्स्ट इज नाइन पॉइंट सेवन फाइव सिक्स माइनस सिक्स पॉइंट टू एट नंबर्स को सब्रैक्ट करना है नाइन पॉइंट सेवन फाइव सिक्स सिक्स पॉइंट टू एट जो नंबर है गया हम आप पर ज़ीरो पुट करते हैं माइनस सिक्स माइनस ज़ीरो इज ज़ीरो फाइव माइनस एट नहीं होगा यहाँ से बोरो करेंगे सिक्स फिफ्टीन फिफ्टीन माइनस एट इज़ सेवन सिक्स माइनस टू इज फ़ोर डेसिमल नाइन माइनस सिक्स इज थ्री आंसर इज थ्री पॉइंट फोर सेवन सिक्स नेक्स्ट इज वॉट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज़ नाइन सेंटीमीटर एक साइड नाइन सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया क्या होगा स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड सो नाइन इंटू नाइन नाइन नाइनज आर एटी वन एटी वन सेंटीमीटर स्क्वायर नेक्स्ट द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल आर थर्टी मीटर एंड ट्वेंटी मीटर रेस्पेक्टिवली रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ सो टू इंटू लेंथ इज थर्टी प्लस ब्रेथ इज ट्वेंटी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं थर्टी प्लस ट्वेंटी इज फिफ्टी टू इंटू फिफ्टी इज हंड्रेड हंड्रेड सेंटीमीटर बी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट इज द रूल ऑफ विच रिक्वायर्ड टू मेक द मैथ पैटर्न ऑफ यूज होंगी वन एंड टू एज टी इज सो टू मैथ स्टिक्स और अगर टी नंबर ऑफ टीज हम बनाते हैं टू टी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ फिफ्टी सेंटीमीटर टू टू मीटर्स फिफ्टी सेंटीमीटर्स एंड टू मीटर्स इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे पहले क्योंकि जब भी हम कंपेयर करते हैं रेशो में यूनिट्स बिल्कुल सेम होनी चाहिए वन मीटर इक्वल होता है हंड्रेड सेंटीमीटर्स के सो टू मीटर इक्वल होगा टू हंड्रेड सेंटीमीटर्स के सो फिफ्टी सेंटीमीटर का रेशो फाइंड करना है टू मीटर विच मीन्स टू हंड्रेड सेंटीमीटर्स से फिफ्टी बाई टू हंड्रेड जीरोज आर कैंसल्ड फाइव वन सिस फाइव फाइव फोरज आर ट्वेंटी वन रेशो फोर बी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट इज राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट सिक्सटीन रेशो ट्वेंटी फोर क्या ये प्रोपोर्शन uh, में है प्रोपोर्शन में है ट्वेंटी बाय थर्टी के ट्वेंटी रेशो थर्टी के शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखते हैं दोनों ही जो रेशोज हैं एट टू जार सिक्सटीन एट थ्री जार ट्वेंटी फोर टेन टू जार ट्वेंटी टेन थ्री ज़ार थर्टी सो टू बाय थ्री इक्वल है टू बाई थ्री के प्रोपोर्शन में है ट्वेंटी रेशी के सो स्टेटमेंट इज ट्रू नेक्स्ट सेक्शन बी रिप्रेजेंट एट एज टैली मार्क्स एट को टैली मार्क्स से रिप्रेजेंट करना है आपको टैली मार्क इक्वल टू ओके ये बी पार्ट का क्वेश्चन है यहाँ पर सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट नेक्स्ट ये जो टैली मार्क्स हैं ये किस कितने नंबर के इक्वल है फाइव फाइव टेन प्लस वन इलेवन नेक्स्ट रेक्टेंगुलर गार्डन फिफ्टी मीटर लॉन्ग इज फोर हंड्रेड स्क्वायर मीटर एक रेक्टेंगुलर गार्डन है लेंथ आपको गिवन गिवन है है प्लस एरिया भी फोर हंड्रेड स्क्वायर मीटर है एरिया है फोर हंड्रेड फाइंड द ऑफ द गार्डन गार्डन की ब्रिथ आपको फाइंड करनी है सो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इन टू ब्रेथ एरिया इज फोर हंड्रेड लेंथ इज फिफ्टी ब्रेथ और विथ इज मिसिंग सो बी इक्वल होगा फोर हंड्रेड बाई फिफ्टी के जीरो कैंसिल फाइव एटर फोर्टी बी इक्वल्स टू एट मीटर या फिर इसके और में क्वेश्चन है अ टेबल टॉप मेजर्स टू मीटर बाय वन मीटर फिफ्टी सेंटीमीटर्स यानी कि टेबल जो है वो रेक्टेंगल की शेप में है ये लेंथ है और वन मीटर फिफ्टी सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ है व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर मीटर एरिया आपको बताना है स्क्वायर मीटर में सो आंसर नंबर ट्वेल्व का और पार्ट लेंथ आपको गिवन है टू मीटर्स ब्रेथ है वन मीटर फिफ्टी सेंटीमीटर्स पहले इसको मीटर्स में लिखना है क्योंकि एरिया हमें स्क्वायर मीटर में फाइंड करना है सो वन मीटर फिफ्टी सेंटीमीटर को हम मीटर्स uh, में लिखेंगे डेसिमल पुट करके डेसिमल के पहले आएगा मीटर और डेसिमल के बाद आएंगे सेंटीमीटर्स वन पॉइंट फाइव जीरो मीटर अब एरिया फाइंड करेंगे एरिया होता है लेंथ इन टू ब्रेथ लेंथ इज टू ब्रेथ इज़ वन पॉइंट फाइव ज़ीरो

उनके टर्म्स में आप नंबर ऑफ मैंगोज को कैसे लिखेंगे यूज बी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस अगर बी नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं सो नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू बी नंबर ऑफ मैंगज इन वन बॉक्स या फिर इन ईच बॉक्स इक्वल टू फिफ्टी सो नंबर ऑफ मैंगोव कितने होंगे अगर दो बॉक्सेस होते तो नंबर ऑफ मैंगोव होते फिफ्टी इन टू टू हंड्रेड तीन बॉक्सेस 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 होते तो 3, 150. अभी क्योंकि हैं हैं नंबर ऑफ़ होंगे यानी कि ये आंसर है, है. So, है. परेड में कैडेट्स मार्च कर रहे हैं देर आर फाइव कैडेट्स इन ईच रो एक रो में फाइव कैडेट्स हैं थ्री फोर एंड फाइव वॉट इज द रूल विच गिव द नंबर ऑफ कैडेट्स नंबर ऑफ कैडेट्स कितने होंगे गिवन द नंबर ऑफ रोज यूज आर फॉर द नंबर ऑफ रोज रोज अगर आर रोज हैं सो अगर एक रो में 5 है दो में कितने होंगे 5 इन टू तीन में कितने होंगे 5 इन टू 5 फाइव प्लस फाइव प्लस सो आर नंबर ऑफ रोज में कितने होंगे 5 इन टू आर फाइव आर लिखेंगे आप नंबर ऑफ रोज इक्वल टू आर नंबर ऑफ कैडेट्स इन ईच रो क्वल टू फाइव टोटल नंबर ऑफ ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ अ अज रुपीज थर्टी एक नोटबुक थर्टी रुपीज की है वॉट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ एन नोटबुक्स तीनों ही क्वेश्चन एक ही टाइप के दे दिए हैं ये फिफ्टी कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज इक्वल टू रुपीज़ थर्टी सो कॉस्ट ऑफ एन नोटबुक्स एक अगर थर्टी की है दो थर्टी इंटू टू की होगी तीन थर्टी इंटू थ्री सो एन नोटबुक्स होंगी थर्टी इंटू एन यानी कि थर्टी एन रुपीज़ की रुपीज़ थर्टी एन नेक्स्ट नेक्स्ट इज डिवाइड वन ट्वेंटी इन द रेशो सेवन रेशो फाइव बिटवीन शिविका एंड ईशानी शिविका और ईशानी के बीच में वन ट्वेंटी रुपीज को डिवाइड करना है सेवन रेशो फाइव में क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सो शिविका का शेयर कितना होगा शेयर इक्वल टू वन ट्वेंटी रुपीज का सेवन बाय टोटल वन ट्वेंटी सेवन टोटल यानी कि सेवन प्लस फाइव टोटल पार्ट्स कितने हैं सेवन शिविका के पार्ट्स हैं फाइव ईशानी के पार्ट है ट्वेल्व टोटल पार्ट्स हैं जिसमें से सेवन पार्ट्स मिलेंगे शिविका को सो so सेवन 12, ट्वेल्व 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 टेन टेन सेवन सेवेंटी यानी कि सेवेंटी रुपीस मिलेंगे शिविका को और ईशानी का पार्ट होगा ईशानी शेयर वन ट्वेंटी रुपी में फाइव बाई टोटल ट्वेल्व टेन फाइव रुपीज फिफ्टी ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल इस टेबल में स्टूडेंट्स के एक स्टूडेंट के मार्क्स आपको गिवन है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मैथ्स में उसके मार्क्स हैं इतने ये एक पिक्चर है पिक्टोग्राफ है जहाँ पर एक पिक्चर रिप्रेजेंट करती है वन मार्क्स को सिंपल है सो मैथ्स में उसके कितने मार्क्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स फिगर्स हैं सो सिक्स मार्क्स हैं इंग्लिश में है थ्री आउट ऑफ टेन हिंदी में है फोर साइंस में टू और संस्कृत में फोर पहला क्वेश्चन है नेम द सब्जेक्ट्स इन विच स्टूडेंट्स स्टूडेंट गॉट सेम मार्क्स वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें स्टूडेंट के सेम मार्क्स आए हैं सो so, वो है हिंदी एंड संस्कृत दोनों में ही फोर मार्क्स हैं हिंदी एंड संस्कृत इन विच सब्जेक्ट स्टूडेंट गेट मैक्सिमम मार्क्स सबसे ज्यादा मार्क्स उसको किस सब्जेक्ट में मिले हैं तो सबसे ज्यादा पिक्चर्स हैं मैथ्स में इन मैथ्स नेक्स्ट सेक्शन सी राहुल बॉट फोर के जी नाइन्टी ग्राम्स ऑफ गवावा थ्री के जी सेवन फिफ्टी ग्राम्स ऑफ एप्पल्स एंड टू के जी एट ग्राम्स ऑफ ग्रेप्स फाइंड द टोटल वेट ऑफ ऑल द फ्रूट्स ही बॉट सो टोटल वेट आपको फाइंड करना है सभी वेट्स को हम ऐड करेंगे जो फ्रूट्स हैं उनके नाम लिखते हैं एप्पल्स ओके अभी इसको कॉलम मेथड से सॉल्व करेंगे एक कॉलम होगा के का और एक होगा ग्राम्स का सबसे पहले गवावा उसने लिए थे फोर के जी नाइनटी ग्राम्स इसको लिखेंगे कैसे के जी के नीचे फोर और ग्राम्स में हमेशा थ्री डिजिट्स का होना कंपलसरी है क्योंकि अगर आपने नाइन्टी लिखा तो एक जीरो बाई डिफॉल्ट पीछे लग जाएगी और वो नाइन हंड्रेड ग्राम्स हो जाएगा तो नाइन्टी को इस तरीके से लिखना है कि उसमें थ्री डिजिट्स हो इसको हम लिखेंगे जीरो नाइन जीरो नेक्स्ट थ्री के जी सेवन फिफ्टी ग्राम्स सो थ्री एंड सेवन फाइव जीरो इसमें पहले से ही तीन डिजिट्स हैं और ग्रेप्स हैं टू के जी एटी ग्राम्स सो टू के जी एटी को हम लिखेंगे जीरो एट जीरो अभी इनको ऐड करेंगे जीरो 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 नाइन प्लस एट नाइन टूर एटीन सेवनटीन प्लस फाइव इज ट्वेंटी टू टू कैरी सेवन एट नाइन फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सो आंसर होगा टोटल वेट है सभी फ्रूट्स का नाइन के जी नाइन ट्वेंटी ग्राम्स ओके नेक्स्ट इसके और में क्वेश्चन है शमशीरा बॉट अ वाटर मेलन बेंग फाइव के जी टू हंड्रेड ग्राम्स इतने वेट का उसने एक वाटर मेलन लिया शमशीरा ने आउट ऑफ दिस ही गेव टू के जी फोर फिफ्टी ग्राम्स टू हिज नेबर इसमें से टू के जी फोर फिफ्टी ग्राम्स उसने अपने नेबर को दे दिया वॉट इज द वेट ऑफ द वाटर मेलन लेफ्ट विद शमशीरा सो शमशीरा के पास अभी कितना वाटर मेलन बचा है टोटल वेट जितना है उससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो उसने अपने नेबर को दे दिया है सो टोटल वेट ऑफ वॉटर मेलन इज कॉलम मेथड के जी का कॉलम ग्राम्स का कॉलम फाइव के जी टू हंड्रेड ग्राम्स एंड सेकेंड आउट ऑफ दिस ही गेव वॉटरमेलन वेट ऑफ वाटर मेलन ही गेव टू हिज नेबर इक्वल टू के जी फोर फिफ्टी ग्राम्स सो टू के जी एंड फोर फाइव जीरो सबट्रैक्ट करेंगे जीरो माइनस जीरो इज जीरो जीरो से फाइव माइनस नहीं होगा यहाँ से बॉरो करेंगे फोर सब नहीं होगा यहाँ से बॉरो करेंगे फोर इलेवन इलेवन माइनस फोर इज सेवन फोर माइनस टू इज टू सो आंसर इज टू के जी सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी ग्राम्स इज लेफ्ट हिम नेक्स्ट बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर इन टू रेक्टेंगल्स इस फिगर को रेक्टेंगल्स में स्प्लिट करके फाइंड देयर एरिया द मेजर आर गिवन इन सेंटीमीटर्स एरिया फाइंड करना है इस शेप का ओके okay, सो so इसको फिर से आप ड्रॉ करेंगे अपनी आंसर शीट में और यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर ड्रा करते हैं एक रेक्टेंगल ये है उसके बाद यहाँ पर एक लाइन एक ये रेक्टेंगल है और ये एक रेक्टेंगल है इनको नाम दे देते हैं फिगर फर्स्ट है ये सेकंड है और ये थर्ड फिगर है तीनों ये फिगर्स रेक्टेंगल की शेप में है तीनों का एरिया हम फाइंड करेंगे एंड फिर उसको ऐड करेंगे सो एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट रेक्टेंगल्स हैं तो एरिया होगा लेंथ इन टू ब्रेथ इसकी लेंथ है टू और ब्रेथ है टेन टू इंटू टेन इक्वल ट्वेंटी स्क्वायर सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर नेक्स्ट फिगर टू का एरिया एरिया ऑफ फिगर सेकेंड इसमें लेंथ है फाइव एंड ब्रेथ हमें फाइंड करनी होगी अभी देखो ये यह टोटल यहां से यहां तक टोटल ब्रेथ थी टेन 10 में से थ्री साइड ये है थ्री ये है तो रिमेनिंग कितनी होगी टेन में से अगर ये सिक्स को आप माइनस कर दे तो ये वाली साइड आपको पता लग जाएगी विच इज फोर सो ब्रेथ है फोर लेंथ इज फाइव ब्रेथ इज फोर फाइव इंटू फोर फाइव फोर अगेन ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वायर थर्ड शेप इसमें लेंथ है टेन और ब्रेथ है फिर से टू एरिया ऑफ फिगर थ्री थर्ड टेन इंटू टू इज ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वायर सो टोटल एरिया होगा एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस सेकेंड फिगर प्लस थर्ड फिगर ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी टू टू फोर टू सिक्स सिक्सटी सेंटीमीटर स्क्वायर ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज वॉट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर वॉट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर द मेजर्स आर इन सेंटीमीटर इन तीनों का आपको पेरीमीटर फाइंड करना है और जो मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर्स में है सो फर्स्ट फिगर में कोई रेगुलर शेप तो ये है नहीं रेक्टेंगल या स्क्वायर जिसका फॉर्मूला हमारे पास हो सो so यहाँ से स्टार्ट करते हैं बाउंड्री पर चलेंगे और जो जो भी साइड्स हैं उनको ऐड करते हुए जाएंगे सो so फर्स्ट का एरिया होगा सॉरी पेरीमीटर होगा टेन प्लस टेन प्लस थ्री प्लस फिफ्टीन टेन प्लस टेन प्लस थ्री प्लस फिफ्टीन प्लस फोर प्लस फिफ्टीन प्लस थ्री फिफ्टीन थ्री सो फिफ्टीन फिफ्टीन थर्टी फोर्टी फिफ्टी फिफ्टी सिक्स एंड सिक्सटी सिक्सटी सेंटीमीटर फर्स्ट फिगर का एरिया है एरिया ऑफ सेकेंड फिगर फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव कितनी बार फाइव है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व सो सेकेंड का एरिया होगा ट्वेल्व इंटू फाइव फाइव को ट्वेल्व टाइम्स ऐड करें या फिर मल्टीप्लाई करें रिपीटेड एडिशन मल्टीप्लीकेशन ही होता है ट्वेल्व फाइव सारिक्सटी ये भी सिक्सटी सेंटीमीटर है टेन 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 वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स थर्ड शेप का पेरीमीटर है टेन इंटू सिक्स ये भी सिक्सटी सेंटीमीटर है सो डिफरेंट शेप्स हैं बट पेरीमीटर सभी का सेम है नेक्स्ट नेक्स्ट इज फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैच स्टिक्स पैटर्न ये मैच स्टिक पैटर्न आपको बनाने कितनी नंबर ऑफ मैच स्टिक्स की आपको जरूरत होगी वेरिएबल आप लिखेंगे अपनी तरफ से कोई भी टू राइट द रूल ओके एस को बनाने में कितनी मैथ स्टिक्स की जरूरत है कितनी लाइन्स हैं इसमें वन टू थ्री फोर एंड फाइव सो टोटल मैथ स्टिक्स चाहिए होंगे फाइव इन टू एन अगर एन नंबर ऑफ एस आप बना रहे हैं अगर दो एस है तो फाइव इंटू टू तीन है तो फाइव इन टू थ्री एन नंबर ऑफ एस अगर है तो फाइव एन बी को बनाने में वन टू टू मैथ स्टिक्स चाहिए सो टू एन जेड को बनाने में वन टू थ्री सो थ्री एन ओके नेक्स्ट द वेट ऑफ सेवेंटी टू बुक्स इज नाइन के जी सेवेंटी टू बुक्स का वेट नाइन के जी है वॉट इज द वेट ऑफ फोर्टी सच बुक्स फोर्टी बुक्स का वेट कितना होगा तो पहले वन बुक का वेट फाइंड करते हैं यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन इज वेट सेवेंटी टू बुक्स इक्वल टू नाइन के जी सो वेट ऑफ वन बुक इक्वल टू नाइन बाई सेवेंटी टू सेवेंटी टू डिनोमिनेटर में जाएगा जब भी आपको वन का फाइंड करना हो हमेशा हम डिवाइड करते हैं नाइन वन सेवेंटी टू वन बाई एट के जीज़। नाउ वेट ऑफ जो हमें फाइंड करना है फोर्टी बुक्स इक्वल टू वन का वेट वन बाई एट और फोर्टी का वेट इन टू फोर्टी एट फाइव आर फोर्टी सो आंसर इज फाइव के जी फोर्टी बुक्स का वेट होगा फाइव के जीज नेक्स्ट इसके और में क्वेश्चन है कॉलेज आउट ऑफ फाइव हंड्रेड स्टूडेंट्स थ्री सिक्सटी आर बॉयज एक कॉलेज में फाइव हंड्रेड स्टूडेंट्स हैं जिनमें से थ्री सिक्सटी बॉयज हैं फाइंड द फाइंड करना है नंबर ऑफ़ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रेशो नंबर ऑफ़ गर्ल्स विच इज़ वन फोर्टी एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ फाइव हंड्रेड तो रेशो होगा जीरो कैंसिल टू सेवनज़ आर फोटीन ट्वेंटी फाइव टू जर फिफ्टी सेवन रेशो ट्वेंटी फाइव दैन बी पार्ट नंबर ऑफ बॉयज़ टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ बॉयज़ है थ्री सिक्सटी और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है फाइव हंड्रेड सो थ्री सिक्सटी बाय फाइव हंड्रेड जीरो टू ट्वेंटी फाइव टू वन एट एटीन ट्वेंटी फाइव ठीक है एटीन रेशो ट्वेंटी फाइव लास्ट इज नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ़ गर्ल्स सो नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज थ्री सिक्सटी एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज वन फोर्टी जीरो एटीन रेशो सेवन नेक्स्ट नेक्स्ट आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू है थर्टी टू रेशो थर्टी टू मीटर रेशो सिक्सटी फोर मीटर्स तो रेशो फाइंड करते हैं शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखते हैं इनको थर्टी टू बाई सिक्सटी फ़ोर टू वैसे थर्टी टू टू हज़ार सिक्सटी फोर ही होते हैं और टू वन सिक्स सिक्सटीन थ्री टू थर्टी टू सिक्सटीन टू हज़ार थर्टी टू सो ये रेशो है शॉर्टेस्ट फॉर्म में वन रेशो टू और क्या ये इक्वल है फाइव सेकेंड रेशो ट्वेल्व सेकेंड्स के सो फाइव बाई ट्वेल्व को शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखते हैं कोई है ही नहीं शॉर्टेस्ट फॉर्म ये फाइव रेशो ट्वेल्व ही है सो आंसर इज़ नो स्टेटमेंट इज़ फॉल्स रेशो को जब भी आपको चेक करना हो क्या वो प्रोपोर्शनल है या फिर इक्वल है उनको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए अगर शॉर्टेस्ट फॉर्म बिल्कुल सेम है तो इक्वल है अदरवाइज नहीं नेक्स्ट सेकेंड पार्ट नाइनटी नाइन के जी रेशो फोर्टी के जी सो ये एल एच एस है नाइनटी नाइन बाई फोर्टी नाइन्टी नाइन एलेवन नाइन थ्री फोर्टी यही रहेगा शॉर्टेस्ट फॉर्म यही है इसकी क्या ये इक्वल है फोर्टी फोर रेशो ट्वेंटी के फोर्टी फोर और ट्वेंटी का शॉर्टेस्ट फॉर्म टेन फोर टू जार टू जार फोर टू फाइव जार टेन वन एलेवन रेशो फाइव एक सेकेंड नाइन फाइव फोर टू फाइव से फिर नहीं होगा नहीं है ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है नाइन्टी नाइन रेशो फोर्टी शॉर्टेज फॉर्म एलेवन रेशो फाइव इलेवन नाइन जार फाइव नाइन जार फाइव नाइन जार फोर्टी फाइव ओके ठीक है स्टेटमेंट फॉल्स नेक्स्ट सेक्शन डी द पोजिशन ऑफ एन इंडियन प्लेन एंड रशियन सब मरीन ड्यूरिंग जॉइंट नेवल एंड एयरफोर्स एक्सरसाइज बिटवीन रशिया एंड इंडिया इज एज शोन इन द पिक्चर बिलो ये पिक्चर्स में आपको गिवन है ये सी लेवल है ऊपर ये एयरप्लेन की पोजिशन हैं पी क्यू आर एस और नीचे ये सब मरीन की पोजिशन है सी लेवल के नीचे अभी क्वेश्चन है वॉट सॉरी राइट द पोजिशन ऑफ वॉर प्लेन एट पी क्यू आर पी क्यू एस टी इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स पी क्यू एस टी टी तो पी क्यू आर एस है ये पी क्यू आर एंड एस इंटीजर्स के टर्म्स में लिखना है क्योंकि ये सी लेवल से ऊपर है अगर सी लेवल को हम जीरो अज्यूम करते हैं तो ज़ीरो से ऊपर जो नंबर होंगे सभी पॉजिटिव होंगे सो so, पी का पोजीशन है प्लस वन थाउजेंड मीटर्स क्यू की पोजीशन है प्लस टू थाउजेंड मीटर्स प्लस नहीं भी लिखेंगे तो भी इंटीजर पॉजिटिव ही माना जाएगा आर की पोजीशन है 800 हंड्रेड मीटर्स एंड एस की पोजीशन है अबव सी लेवल से 1800 हंड्रेड मीटर्स नेक्स्ट बी पार्ट है ये एक आंसर है बी इज़ राइट द पोजीशन ऑफ सब मरीन ए बी सी डी इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स अभी ए बी सी डी का आपको इंटीजर्स की फॉर्म में पोजीशन लिखनी है क्योंकि ये सी लेवल से नीचे है सी लेवल को हम जीरो अज्यूम करते हैं उससे नीचे होगा तो नेगेटिव इंटीजर होगा तो इनको शो करेंगे नेगेटिव इंटीजर से पोजिशन ऑफ सबमरीन ए इज माइनस सेवन हंड्रेड मीटर्स पोजिशन ऑफ सबमरीन बी बी इज माइनस टू टू डबल जीरो मीटर्स सबमरीन सी की पोजिशन है माइनस फाइव हंड्रेड मीटर्स एंड सबमरीन डी की पोजिशन है माइनस ट्वेल्व हंड्रेड मीटर्स नेक्स्ट इज वॉट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन वॉर प्लेन एट पोजिशन आर एंड सबमरीन सी वॉर प्लेन आर और सबमरीन सी में वर्टिकल जो डिफरेंस uh, है वो कितना है सो so, यहाँ से यहाँ तक 800 हंड्रेड प्लस फाइव देखेंगे लिखेंगे कैसे इसको आंसर नंबर सी डिफरेंस इक्वल होगा जो एयरप्लेन की पोजीशन है 800 हंड्रेड मीटर्स उससे हम माइनस करेंगे सब मरीन की पोजीशन को विच इज़ माइनस फाइव हंड्रेड सो एट हंड्रेड माइनस माइनस इज प्लस फाइव हंड्रेड एट नाइन टेन थ्री थर्टीन थर्टीन हंड्रेड मीटर्स वर्टिकल डिस्टेंस है दोनों के बीच में नेक्स्ट प्राइस लिस्ट गिवन है ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स इन अर स्टोर एज शोन बिलो ओके टमेटोज पटेटोज अनियन ऐप्पल चिली एंड गुआबा इफ राम बाई वन के जी टमेटोज वन के जी पटेटोज एंड वन के जी अनियन देन हाउ मच ही पेज फॉर इट सो सभी वन के जी लिए हैं उसने डायरेक्ट जो इनके प्राइस हैं उन्हीं को हम ऐड करेंगे फिफ्टीन पॉइंट सिक्स ज़ीरो ट्वेल्व पॉइंट फोर जीरो एंड अनियन है वन के जी ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सेवन फाइव के फाइव जीरो ज़ीरो फाइव सिक्स फोर टेन सेवन सेवन सेवेंटीन वन फाइव प्लस वन सिक्स सेवन एट एट प्लस सिक्स फोर्टीन वन वन टू थ्री एंड फोर फाइव फिफ्टी फोर रुपीज़ एंड सेवेंटी फाइव पैसे टोटल प्राइस जो राम पे करेगा नेक्स्ट है ही हैड रुपीज़ वन हंड्रेड उसके पास वन हंड्रेड रुपीज़ हैं आफ्टर परचेजिंग वन के जी टमेटोज वन के जी पटेटोज वन के जी ऑनियंस हाउ मच इज़ लेफ्ट विद हिम सो इतना उसका टोटल जो उसने पे किया है वन के जी टोमेटोज पटेटोज और अनियंस के लिए अभी कितना बचेगा हंड्रेड में से टोटल जो अमाउंट पे करना है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर नंबर टू हंड्रेड पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो माइनस फिफ्टी फोर पॉइंट सेवन फाइव जीरो में से माइनस नहीं होगा फाइव यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है यहाँ से बोरो होगा टेन नेक्स्ट को देगा नाइन बचेगा यहाँ पर टेन हो जाएगा नेक्स्ट देना है टेन नाइन टेन टेन माइनस फाइव इज फाइव नाइन माइनस सेवन इज टू डेमल डेसीमल डेसीमल नाइन माइनस फोर इज फाइव नाइन माइनस फाइव इज फोर फिफ फोर्टी फाइव रुपीज़ ट्वेंटी फाइव पैसे विल बी लेफ्ट विद हिम नेक्स्ट इज इफ हीड रुपीज़ वन हंड्रेड एंड वॉन्स टू बाई वन के जी एपल्स हाउ मच ही नीड मोर ओके उसके पास हंड्रेड रुपीज़ हैं और उसे वन के जी एप्पल्स लेने हैं जो कि वन हंड्रेड ट्वेल्व रुपीज़ एंड थर्टी पैसे के हैं तो कितने की अभी उसको जरूरत है बारह रुपये तीस पैसे की लिखेंगे कैसे आंसर नंबर सी कॉस्ट ऑफ एप्पल्स इज वन वन टू 0.30 मनी ही हैज़ इज रुपीज़ हंड्रेड सो थ्री जीरो डेसीमल हाउ मच अमाउंट ही नीड मोर इज ही नीड्स मोर जो उसको चाहिए इज ट्वेल्व रुपीज़ एंड पैसे नेक्स्ट द फॉलोइंग टेबल शोज द वेट ऑफ फाइव पर्सनस पांच लोगों का वेट दिया है, राम सीता सोहन रीता एंड अमजद वेट एक जो ये फिगर है ये शो करती है 12 के को So, अगर राम का वेट आपको फाइंड करना है ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व ट्वेल्व इंटू फोर फोर्टी एट अगेन सीता का वेट ट्वेल्व इंटू थ्री थ्री फिगर्स हैं ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व थर्टी सिक्स केजीज इस तरीके से इनके वेट्स हैं क्वेश्चन देखते हैं वॉट इज द रेशियो बिटवीन वेट ऑफ राम एंड सीता राम और सीता के वेट का रेशियो कितना है ये पिक्चर से हम फाइंड कर लेंगे फोर रेशो थ्री आंसर नंबर ए रेशो थ्री नेक्स्ट इज इफ वेट ऑफ वन पर्सन इज एटी फोर के जी हाउ मेनी सिम्बल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट इट एक सिम्बल रिप्रेजेंट करता है ट्वेल्व के जीस को अगर किसी पर्सन का वेट एटी फोर है तो कितने सिम्बल्स लगेंगे ट्वेल्व की टेबल हम देखते हैं ट्वेल्व वन सिम्बल होगा तो ट्वेल्ल वन इज टेल्ल टू सिम्बल्स अगर होंगे सो ट्वेल्व टू ज़ार ट्वेंटी फोर थ्री सिंबल्स अगर होंगे सो ट्वेल्व थ्री ज़ार थर्टी सिक्स ट्वेल्ल्फ फोर ज़ार फॉर्टी है ट्वेल्ल फाइव ज़ार सिक्स ट्वेल्व सिक्स जर सेवेंटी टू ट्वेल्व सेवनजार एटी फोर तो कितने की हमें जरूरत होगी सेवन सिम्बल्स नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट ऑफ सीता एंड अमजद सीता का वेट कितना है ट्वेल्व थ्री हजार थर्टी सिक्स और अमजद का वेट है वेट इक्वल टू ट्वेल्व इंटू थ्री थर्टी सिक्स के जीज अमजद में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ट्वेल्व सिक्स हजार सेवेंटी टू अमज वेट इक्वल टू ट्वेल्व इंटू सिक्स सेवेंटी टू के जीज सो डिफरेंस है सेवेंटी टू माइनस थर्टी सिक्स ट्वेल्व माइनस सिक्स इज सिक्स सिक्स माइनस थ्री इज थ्री थर्टी सिक्स के जीज ओके या फिर आप सिंपल जो फिगर्स हैं पहले उनका डिफरेंस फाइंड कर लीजिए सीता में तीन फिगर्स हैं अमजद में सिक्स फिगर्स हैं सो थ्री फिगर्स दोनों का डिफरेंस है थ्री फिगर्स वन फिगर रिप्रेजेंट करती है ट्वेल्व के जीज़ को तो थ्री फिगर का डिफरेंस यानी कि ट्वेल्थ थ्रीज आर थर्टी सिक्स का डिफरेंस ओके दैट्स ऑल स्टूडेंट्स ये था सिक्स क्लास मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग